Asalaamu Alaikum, students. So, today we are going to study the 14th chapter of your textbook, A Handful of Dates by Tayyip Saleh. A Handful of Dates means mutibar Khajur. So, uh, about the author, you can just uh, go through the uh, chapter, and there's a short biography of the writer at the end of this chapter. Now, coming back to the chapter, A Handful of Dates.

इस जो स्टोरी में जो ये स्पीकर है जो लिटिल बॉय है इसका रोल मॉडल होता है इसका दादा मतलब इसके जो दादाजी होते हैं वो इसके रोल मॉडल होते हैं अपने दादाजी के जैसा बनना चाहता है तो इसमें कुछ मतलब फिर बाद में ऐसा क्या होता है कि इसको अपने दादा से नफरत हो जाती है मतलब वो सोचता है कि मतलब कुछ और उसने एक पिक्चर बनाई होती है अपने दादाजी की और एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी विकम टू नो की मतलब इसका जो सारा वो जो इसने पिक्चर इमेजिन की होती है अपने दादाजी के बारे में एक जो उसने दिमाग में एक पिक्चर बनाई होती है वो पूरी तरह से मतलब दादाजी उसका अपोजिट होते हैं तो जो स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट होती है ये जो छोटा बच्चा है ये मतलब पूरा टाइम अपने दादाजी के साथ गुजारता है या अपने दादाजी के साथ जहाँ जहाँ दादाजी जाते हैं वहाँ ये उसके साथ जाते हैं उसके बाद ये कुरान शरीफ़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में जहाँ पे मौली साहब इसको बहुत ही पसंद करते क्योंकि ये बात काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी होनहार बच्चा होता है और उसके बाद मतलब दादाजी जहाँ जा मतलब दादाजी जाते हैं वहाँ ये उसके साथ ही चले जाते हैं दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने दादाजी के साथ गुजारते क्योंकि ये दादाजी को अपना रोल मॉडल समझते हैं और ये उन्हीं के जैसा बनना चाहते हैं तो और एक तो इस बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ना बहुत पसंद होता है और दूसरा इसको खाने के बाद नदी किनारे जाना वहां पे नहाना बहुत ही पसंद होता है तो एक दिन ऐसे नदी किनारे बैठ के सोच रहा होता है देखता है कि नदी जी नदी के पार जो एक जंगल है सोचता है कि क्या वहां पे मेरे दादाजी जैसे जाइंट लोग रहते होंगे ओके तो एक दिन ये मतलब और ये क्या करता है अपने दादाजी के छोटे मोटे काम जो होते हैं उनमें दादाजी की काफी हेल्प करता है जैसे दादाजी के लिए ब्लैंकेट लाना दादाजी के लिए जग में पानी भर के लाना ये सब चीजें ये दादाजी के लिए करता है तो एक दिन ये दादाजी के पास बैठा होता है और कहता है दादाजी आप जो मसूद हमारा नेबर है उसके बारे में मुझे कुछ बताओ तो दादाजी कहता है कि वो बहुत ही लेजी इंसान है बहुत ही सुस्त इंसान है और मुझे सुस्त इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है और दादाजी इसको कहता है क्या तो मैं पता है वो एक टाइम पे इतना अमीर इंसान था ये जितनी भी ज़मीन मेरे पास है ये सारी किसकी थी मसूद की और आहिस्ता इसने सारी ज़मीन बेच दी और आज इसके पास कुछ भी नहीं है तो ये जो छोटा बच्चा ये कहता है दादाजी को कि उसने अपनी सारी ज़मीन क्यों बेची आपको कहता है कि मसूद ने क्या किया उसने लगभग नब्बे शादियाँ की होती है, और जब भी वो शादी करता वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेच देता था और मैं खरीद लेता था और ऐसे करते करते उसने अपनी सारी जमीन गवा दी और वो सारी मैंने खरीद ली तो अब ये मसूद के बारे में बातें कर रहे होते और अचानक मसूद आ जाता है कहता है दादाजी को कि आज खजूर को मतलब उतारने का दिन है खजूर पक गया अब उनको उतारने का दिन है तो आप आ जाइए तो दादाजी अपने इस पोते को लेके चले जाते हैं वहां पे जहाँ पे खजूर के दरख होते तो बेसिकली जो खजूर के दरख्त होते हैं किसके होते हैं मसूद के होते हैं। तो होता क्या वहाँ पे जो लड़के हैं वो खजूर के पेड़ों पे चढ़े होते हैं और वो खजूर उतार रहे होते हैं और बोरियों में भर रहे होते हैं तो जब वो बोरियों में भर के खत्म कर देते हैं अब सारा काम तो वहाँ पे एक बिजनेस आया होता है जिसका नाम होता है हुसैन एक नेबरिंग एक लैंड होता है काफी बड़ा जमींदार मूसा वो भी आया होता है दो अजनबी होते हैं और दादाजी और इनका पोता होता है और मसूद होता है तो जब ये बोरियों में खजूर भर देते हैं तो वो जो बिजनेस मैन है हुसैन वो दस बोरियां ले जाता है मूसा जो है वो पांच बोरियां ले जाता है और जो दो स्ट्रेंजर्स आए होते हैं अजनबी वो भी दो पांच बोरियां ले जाते हैं और दादाजी पांच बोरियां ले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है होते ये सारे किसके हैं मसूद के पेड़ होते हैं मसूद का मतलब ये होता है खजूर ख़ुचुर खजूर के जो पेड़ होते हैं वो सारे मसूद के होते हैं लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं बचता है तो वो थक हार के अब दादाजी के पास आता है दादाजी को दादाजी कहते, दादा कहते हैं मसूद अभी भी तुम तो मुझे मतलब पचास पाउंड अभी भी तुमने मुझे देने हैं मतलब तुम्हारे पास अभी भी मेरे पचास पाउंड बाकी हैं तो दादाजी क्या करते हैं एक हैंडफुल ऑफ डेट्स उठाते हैं खजूर उठाते हैं मुट्ठी में और वो किसको देते हैं इस छोटे बच्चे को खाने के लिए देते हैं वो खा, खाता है एक खजूर तो जब दादाजी ये कहते हैं मसूद को कि अभी भी तुम तो मुझे पचास पाउंड अभी भी तुम्हारे पास है मेरे तो ये सुन के मसूद के चेहरे पे एक अजीब सी वो मतलब कहते हैं ना वो एक दुख एक परेशानी जाहिर होता है और उसका दिल भी काफ़ी मायूस होता है मतलब काफ़ी मायूस होता है तो ये छोटा बच्चा मसूद को देखता है और मतलब देखता है कि ये काफ़ी मायूस है छोटे बच्चे को मसूद से बहुत प्यार होता है उसकी ये मायूसी देख के इसको बहुत ही बुरा लगता है तो वो क्या करता है वहां से भाग जाता है और भाग के कहाँ चला जाता है नदी के किनारे वहाँ पे जाके मुंह में उंगलियाँ डालता है और वो सारे खजूर जितने भी उसने खाए होते वो सारा वॉमिट कर देता है उल्टियाँ करता है तो यहाँ पे स्टोरी खत्म होती है अब यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो ये छोटा बच्चा है ये काफी मासूम होता है और छोटे बच्चे वैसे भी मासूम होते हैं तो ये उस बेबसी को जो मकसूद के चेहरे पे होती है सॉरी मसूद के चेहरे पे होती है वो उस बेबसी को देख के इसको काफ़ी बुरा लगता है और साइड बाय साइड जब ये देखता है कि मेरा दादा जी कितना जालिम है मतलब वो इसको एक तो इतना सारा बेचारे का फसल सारा ले लिया और उल्टा उसको कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास पचास पाउंड मेरे हैं तो वहां पे इसका जो वो एक रोल मॉडल का जो उसने बनाया होता है अपने दादाजी को वहाँ पे इसका ये पूरा जो सपना है वो शैट हो जाता है कहता है कि मतलब वो सोचता है कि मेरा दादा कितना जालिम है और उस मसूद पे उसको बहुत ही ज़्यादा रहम आता है